हेलो स्टूडेंट कैसे हो उम्मीद करती हो कि आप सब ठीक होंगे सो स्टूडेंट वेलकम टू अवर चैनल राजर्षि क्लासेस सो स्टूडेंट टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सेवन स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर नंबर फाइव द फाउंडेशन ऑफ द स्वराज सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन ओके इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक

तो द फाउंडेशन ऑफ द स्वराज में हमने पहले पार्ट में क्या देखा था हमने जो है शिवाजी महाराज के फादर शाहजी राजे के बारे में जो है नहीं, पढ़ा नहीं? देन शाहजी राजे जो है जो निज़ाम शाही में पहले काम कर रहे थे फिर जो है आदिल शाह बीजापुर में वो जो काम करने लगे नहीं? और उनको कौन सी कौन सी जो है जागीर मिली नहीं? और कहाँ कहाँ पर मिली वो हमने उसमें देखा था देन बीर माता जीज़ाबाई जो शिवाजी महाराज की मदर है उनके बारे में हमने नह पढ़ा कि वो किन की बेटी थी और कैसे जो है मतलब विजनरी और पॉलिटिकल एक्सपर्ट थी और स्वराज के बारे में उनका जो सपना था हाँ वो कैसे जो अपने बेटे के मन में वो भर रही थी ये सब जो है हमने फर्स्ट पार्ट में देखा देन हमने शिवाजी के कंपेनियन जो उनके साथी जो है जो शिवाजी स्वराज बनाने में जो है उनके साथ में काम कर रहे थे उनके बारे में हमने जानकारी ली थी और वो कौन कौन थे उसके बारे में भी हमने जाना और देन जो है हमने रॉयल सील जो राजमुद्रा होती है कोई भी राजघरा राजघराना हो उनकी तो उस राजघराने के जो रॉयल सील में क्या लिखा था हाँ मतलब शिवाजी महाराज ने उस राजमुद्रा में क्या लिखा था हाँ और उसका मीनिंग रियल मीनिंग क्या है वो जो है हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था तो अब जो है हम टूवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्वराज हुँ? मतलब स्वराज इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं सो so द फोर्ट सिचुएटेड विद इन द जागीर ऑफ शिवाजी महाराज नॉट अंडर हिज कंट्रोल जो भी फोर्ट्स hmm? जहाँ पर शिवाजी महाराज रह रहे थे hmm? जो जागीर शिवाजी महाराज को मिली थी जैसे कि बंगलुरु की है hmm? पुना के पास के आसपास की जागीर जो है उनको मिली थी कर्नाटक का भी एरिया जो है उनके कब्जे में था मतलब उनको दिया गया था hmm? तो uh, वहाँ के जो भी फोर्ट्स है आस पास के वो कोई भी फोर्ट जो है उनकी जागीर नहीं थी मतलब वो उनके कंट्रोल में नहीं थे सो बट वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ अ आदिल शाह वो सब किसके कंट्रोल में थे वो आदिल शाह के कंट्रोल में थे इन दोज डे फोर्ट वेयर ऑफ अ स्पेशल सिग्निफिकेंट और उन दिनों में जो है ये फोर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सिग्निफिकेंट होता था लोगों के लिए सो विद अ फर्म होल्ड ओवर अ फोर्ट इट वॉज पॉसिबल टू कंट्रोल द सराउंडिंग एरिया अगर उस पर हमको uh, मतलब उसको हासिल करना है तो क्या करना पड़ेगा और उसमें कंट्रोल करना है तो हमें जो है सराउंडिंग एरिया को जो है पहले कंट्रोल में करना पड़ेगा सो इफ़ वन हैड फोर्ट वन रूल द लैंड मतलब जो फोर्ट जिसका हो गया वो जो है वहाँ पर रूल करेगा ऐसा जो है उस वक्त में मतलब रूल था मतलब जो फोर्ट जिसने जीत लिया वो एरिया जो है उसका हो गया ओके सो देअर फोर शिवाजी महाराज डिसाइडेड टू तो एक्वायर द फोर्ट दैट तो वेयर विद इन हिज ओन जागीर मतलब फिर जो है शिवाजी महाराज ने क्या सोचा उनने डिसाइड किया कि ये जो फोर्ट्स है उनकी जागीर के आसपास के जो भी फोर्ट्स है वो जो है वो एक्वायर करेंगे मतलब उसको जो है जीत लेंगे हासिल करेंगे सो सच एंड अटे टू कैप्चर द फोर्ट्स अमाउंटेड द चैलेंजिंग द आदिलशाही पावर अब ये जो uh, उन्होंने डिसाइड किया ये ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था hmm. ये, ये फोर्ट्स को कैप्चर करना आदिल शाह के पावर में काम करते हुए इसको आ, मतलब कैप्चर करना ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग वर्क था सो ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ तोरना और ये चैलेंजिंग वर्क को उन्होंने जो है उन्होंने सत्य में उतारा और जो है ही द फोर्ट ऑफ तोरना और फिर जो है उन्होंने तोरना फोर्ट को कैप्चर किया देन जो है मुरुमदेव को कैप्चर किया देन जो है कोंडाना और पुरंदर ये सब फोर्ट जो है उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया एंड लेट फाउंडेशन ऑफ स्वराज और इस तरह से जो है स्वराज का फाउंडेशन जो है उन्होंने रखा सो ही रिपेयर द फोर्ट मुर्म देव एंड रीनेम्ड इट रायगढ़ और जो मुर्म uh, 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 okay? so, देव नाम का जो uh, फोर्ट उन्होंने जो हासिल किया था उसको उन्होंने रिपेयर किया एंड उसको जो है uh, अलग नाम दिया राजगढ़ ओके okay? सो so, राजगढ़ वॉज़ द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द स्वराज और जो स्वराज का सपना उन्होंने अब जो मतलब सत्य में उतारा था तो उसका कैपिटल भी जो है उन्होंने राजगढ़ राजगढ़ को रखा तो यहाँ पर जो है ये फोर्ट राजगढ़ जो है यहाँ पे दिख रहा है ये आप देख रहे हो और यहाँ पे ये फोर्ट राजगढ़ जो है यहाँ पर दिखाया गया है तो यही राजगढ़ जो है पहले इसका नाम क्या था मुरुम देव फिर इसको जो है रिपेयर किया गया और फिर जो है इसका नाम भी बदल दिया गया राजगढ़ और यही स्वराज का जो है कैपिटल रहा आज की कंडीशन जो है इसकी इस तरह से है मतलब फूट चुका है ये फोर्ट पूरा नेक्स्ट सो देर वेर द मोरेज ऑफ अ जावडी द घोरपडेज ऑफ अ मुधोल मुधोल द सावंत ऑफ अ सावंतवाडी एंड अदर सरदार इन द आदिलशाही तो आदिलशाही में जो है और भी दूसरे सरदार जो है वो काम कर रहे थे जैसे कि मोरेज है वो जावली में काम कर रहे थे घोरपड़े जो है मुधोड़ में काम कर रहे थे सावंत जो है वो सावंतवाड़ी में काम कर रहे थे एंड अदर सरदार इन द आदिलशाही सो दे वे आर अपोज टू द कॉज ऑफ अ फाउंडेशन ऑफ अ स्वराज और ये जो सरदार थे ये अपोज कर रहे थे स्वराज का सो इट वॉज नेसेसरी टू ब्रिंग देम एंड अदर लाइक माइंडेड सर were there hmm, under control for the purpose of founding the swaraj तो ये जो सरदार थे जो महाराष्ट्र के थे तो इनको जो है कन्वर्ट करना उनके माइंड को जो है कन्वर्ट करना और स्वराज के लिए जो है वो काम करे तो ऐसे जो है उनको फोर्स करना ये जो है स्वराज के लिए काम करने के लिए उनको तैयार करना आ, जो है बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था ठीक है सो द कैप्चर ऑफ अ जावड़ी चंद्रराव मोरे ऑफ जावड़ी इन सातारा डिस्ट्रिक्ट बॉज अ पावरफुल सरदार इन द आदिलशाही अब ये जो चंद्रराव मोरे जो है जो जावड़ी में जो है जावड़ी को जो है देख रहे थे जो सातारा डिस्ट्रिक्ट में है बहुत अ पावरफुल सरदार ये बहुत ही पावरफुल सरदार थे आदिलशाही के सो ही अपोज द फाउंडेशन ऑफ अ स्वराज तो ये जो है स्वराज का अपोज कर रहे थे शिवाजी महाराज अटैक जावड़ी एंड कैप्चर द रीजन इन सिक्सटीन और फिर जो है शिवाजी महाराज ने जावड़ी पर अटैक कर दिया न? और उसको भी जो है कैप्चर कर लिया सिक्सटीन फिफ्टी सिक्स में ये जो जावड़ी रीजन है वो बहुत ही ज्यादा घना जंगलों से भरा हुआ था और इसको अटैक करना जो है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था न? फिर भी जो है शिवाजी महाराज ने न? जो जावड़ी पर अटैक किया और 1656 को उस पर मतलब जीत हासिल की सो ही इस्टेब्लिश हिज पोस्ट देयर और उन्होंने जो है अपना झंडा जो है वहाँ पर फहरा दिया देन ही आल्सो कैप्चर्ड रायगढ़ अब उसने uh, जो है और एक नया जो फोर्ट है उसको कैप्चर किया दैट इज़ रायगढ़ सो ही अटेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अ वेल्थ फ्रॉम जावड़ी और जब उन्होंने जावड़ी पे अटैक किया था तो वहां से जो है बहुत सारा खजाना जो है उनके हाथ में लगा था आफ्टर दिस विक्ट्री हिज एक्टिविटीज़ इन कोकन इनक्रीज अब जावड़ी के बाद में और रायगढ़ के बाद में जो है उन्होंने कोकन के तरफ जो है अपना जो है एक्टिविटी बढ़ा दी और कोकन के एरिया को भी जो है उन्होंने जो है अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया सो ही बिल्ड द प्रतापगढ़ फोर्ट इन जावड़ी अब जावड़ी में जो है उन्होंने प्रतापगढ़ फोर्ट का जो है निर्माण किया मतलब बनाया वहाँ पर सो इन दिस वे द कॉन्केस्ट ऑफ जावड़ी इंक्रीज हि स्ट्रेंथ इन ऑल रिस्पेक्ट तो इस तरह से जो है जावड़ी को जब उन्होंने कॉन्क्वेस्ट uh, किया मतलब जीत लिया तो उनकी जो है स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई बढ़ गई उनका रिस्पेक्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया सो आफ्टर दिस शिवाजी महाराज कैप्चर्ड कल्याण और उसके बाद में जो है शिवाजी महाराज ने कल्याण को कैप्चर किया देन भिवंडी ऑन द कोकन कोस्ट कोकन का जो भिवंडी एरिया है वो भी उन्होंने कैप्चर किया सो देयर ही केम इन टू विद द सिद्धि और जब कोकन पे वो जो आ, लड़ाई कर रहे थे तब जो है उनका कॉन्टैक्ट सिद्धि के साथ में आया पोर्तुगीज से आया और ब्रिटिश पावर से आया जब कोकन कोस्ट पर जो वो आ, मतलब लड़ाई कर रहे थे तब उनका जो कॉन्टैक्ट है वो सिद्धि से पोर्तुगीज से एंड ब्रिटिश वर से भी जो है वेस्टर्न कोस्ट पर जो है आ, 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 कॉन्टैक्ट हुआ ओके okay? सो so, शिवाजी महाराज रियलाइज दैट इन ऑर्डर टू फाइट दिज पावर्स इट वॉज नेसेसरी टू हैव अ स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स अब जब इनका कॉन्टैक्ट सिद्धि पोर्तुगीज और ब्रिटिश पावर से हुआ तब शिवाजी महाराज ने रियलाइज किया कि अगर इतने बड़े पावरफुल लोगों से हमको अगर फाइट करना है तो हमको नेवल फोर्स जो है hmm, तैयार करने की जरूरत है नेवल फोर्स यानी पानी में जो सैन्य काम करता है hmm? सैनिक जो काम करता है वैसे सैनिक तैयार करने की मतलब नेवल जो फोर्स तैयार करने की आवश्यकता है ऐसा उनको रियलाइज हुआ सो दे आर फोर ही कंस्ट्रक्टेड ऑन बिल्डिंग अ नेवी और इसलिए उन्होंने नेवी का निर्माण किया ठीक है यू अंडरस्टूड दैट? डैट देन डिफीट ऑफ अफजल खान अब अफजल खान को कैसे डिफीट किया वो हम देखेंगे सो so, शिवाजी महाराज हैड स्टार्टेड कैप्चरिंग द फोर्ट इन हिज जागीर एंड द सराउंडिंग एरिया इन द आदिलशाही टेरिटरी अब शिवाजी महाराज ने जो है सिर्फ उनकी जो जागीर है उसके आसपास का ही फोर्ट को कैप्चर करना नहीं शुरू किया था तो उन्होंने आजू बाजू का जो आदिलशाही टेरिटरी का जो भी सराउंडिंग एरिया है वहाँ के सभी फोर्ट को जो है कैप्चर करना शुरू कर दिया था सो ही हैड क्रश द अपोजिशन ऑफ द मोरेज ऑफ अ जावड़ी जिसमें कि जो है मोरेज ऑफ जावड़ी जो है उसको भी जो है उसके अपोज को भी उन्होंने जो है क्रश कर दिया द वर्क ऑफ अ फाउंडिंग द स्वराज हैज़ गा गैदर्ड मोमेंटन ऑन द कोकन कोस्ट और सो द वर्क ऑफ अ फाउंडेशन ऑफ अ स्वराज हैदर्ड मोमेंट एन ऑन द कोकन को कोकन कोस्ट कोकन कोस्ट में जो है ये जो वर्क है स्वराज का वो जो है इनक्रीज जो है होने का जो है वो मतलब उसका विकास जो है उसकी क्षमता जो है वो बढ़ रही है ये जो है दिख रहा था सो ऑल दीज मैटर्स वे आर अ चैलेंज टू द आदिलशाही और ये सभी जो मैटर्स है वो चैलेंजिंग थे आदिलशाही के लिए तो

टू कर्ब शिवाजी महाराज और उन्होंने जो है बड़ी साहिबा ने अफजल खान जो एक बहुत ही पावरफुल और एक्सपीरियंस जो है जनरल थे आदिलशाही से तो उनको जो है शिवाजी महाराज को ख़त्म करने के लिए जो है भेजा उन्होंने नेक्स्ट जो है अफजल खान केम फ्रॉम बीजापुर टू वाई अब हाँ अफजल खान जो है वो बीजापुर से वाई में आए ठीक है सो ही न्यू द वाई रीज़न वेल और ये जो वाई रीज़न जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो अफजल खान जानते थे अब मीटिंग ऑफ शिवाजी महाराज एंड अफजल खान टुक प्लेस ऑन टेंथ November 1659 at the एट द फूट ऑफ अ प्रतापगढ़ नियर वाई hmm? अब ये जो है अफजल खान और शिवाजी महाराज इनकी जो है मीटिंग uh, जो है फिक्स की गई hmm? uh, कहाँ पर ये uh, वाई के पास में जो प्रतापगढ़ नाम का जो फोर्ट है उसके जो है नीचे मतलब ये प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे जो है टेन नवंबर 1659 को फिक्स की गई एट द मीटिंग अफजल खान अटेम्पटेड ट्रेट चरी हाँ, 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 मतलब ये जो अफजल खान खान जो है उस मीटिंग में जो है एक विश्वासघात करने के आ, मतलब मंच से से ही जो है आए थे हाँ, मतलब दगा करने के मंच से ही, हाँ, सो इन रिटेलिएशन शिवाजी महाराज किल्ड अफजल खान हाँ, और जो शिवाजी महाराज ने जो है आ, उसका बदला जो है ऐसे लिया कि उन्होंने अफजल खान का जो है हाँ, उनको मार डाला सो ही रूड द आदिल शाही आर्मी और इस तरह से जो है उन्होंने आदिलशाही को जो है पूरा जो है डिफीट कर दिया पूरा पराभव जो है उनका जो है कर दिया ओके okay. सो so, शिवाजी महाराज पेड कॉम्पेन्सेशन टू द सोल्जर्स हु हुआ वाउंडेड इन द बैटल और इस बैटल में जो है शिवाजी महाराज ने जो भी सोल्जर्स जिनको कि वो जख्मी हो गए थे उस बैटल में उनको जो है कॉम्पेन्शन दिया मतलब नुकसान भरपाई जो बोलते हैं इसे वो जो है उनको दी गई सो ही रिवार्डेड दोज हैड फाउट वेल और जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर जो है फाइट की उनका सम्मान भी किया सो दोज सोल्जर एंड ऑफिसर्स ऑफ अफजल खान आर्मी फेल इन टू दैंड ऑफ शिवाजी महाराज आर्मी वे आर गिवन अ गुड ट्रीटमेंट और जो सोल्जर्स थे जो अफजल खान के जो सोल्जर्स है ऑफिसर्स है जो आर्मी है जो इनके हैंड में आई मतलब शिवाजी महाराज ने जब अफजल खान से जो उनके उनको मारने के बाद में जो लड़ाई हुई उसमें जो भी सोल्जर्स उनके अफजल खान के जो है उनके हाथ में आए तो उनको जो है शिवाजी महाराज ने बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट दी ठीक है द एक्सपेडिशन ऑफ अम्म अब सिद्धि जोहर के बारे में जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं सो आफ्टर द ऑफ अफजल खान शिवाजी महाराज कैप्चर्ड द आदिलशाही फोर्ट ऑफ अ पन्हाड़ा हसंतगढ़ एंड खेलनाम खेलना एज खेलना विशालगढ़ अब इतनी बड़ी हानि होने के बाद में मतलब अफजल खान की डेथ के बाद में शिवाजी महाराज ने जो है आदिलशाही के जो है जो पन्हाड़ा फोर्ट है वसंतगढ़ है खेलना है ये सब फोर्ट जो है कैप्चर कर लिए एंड उस जो खेलना फोर्ट है उसको उन्होंने जो है रीनेम किया मतलब दूसरा नाम दिया जो है वो विशालगढ़ ओके okay? शिवाजी महाराज अ बिग चैलेंज बिफोर शाही और अब जो है आदिलशाही के सामने जो है शिवाजी महाराज the को, को डिफीट करने के लिए भेजा दरदार ऑफूल रीजन मतलब सिद्धि जोहर जो है वो इनके आदिल शाह के सरदार थे तो इसने जो है शिवाजी महाराज को डिफीट करने के लिए उनको भेजा आ, कब भेजा ये 1666, 1660 को ओके, आदिल शाह टाइटल सलाबत खान आदिल शाह ने जो है सिद्दी को क्या टाइटल दिया था सलाबत खान रुस्तमे जमान रुस्तमे जमान बाजी घोरपड़े एंड अफजल खान सन फजल खान देयर टू हेल्प सिद्धि जोहर सॉरी आदिल शाह ने जो है सिद्धि जोहर को सलबत खान का जो है टाइटल दिया था जमान जो बाजी घोरपड़े एंड अफजल खान सन फजल खान अफजल खान का जो लड़का था फजल खान तो क्योंकि उसके फादर को शिवाजी महाराज ने मारा था तो वो भी जो है गुस्से में था तो उसको भी जो है वो उन्होंने सिद्धि जोहर के हेल्प के लिए भेजा सो इन दीज शिवाजी महाराज टुक शेल्टर इन दन्हाड़ा फोर्ट इस सरकमस्टेंसेज में ऐसे सिचुएशन में शिवाजी महाराज ने जो है पन्हाड़ा फोर्ट पर जो है शेल्टर लिया सो so सोल्जर लेड सेक टू द फोर्ट फॉर अबाउट फाइव वन और सिद्धि के जो सोल्जर्स है वो सभी जैसे कि बाजी घोरपड़े भी हैं प्रस्तम जमान है अफजल खान है अफजल ख़ान का जो सन है फजल खान है वो सब जो जो है वो पाई मंथ तक जो है उस पन्हाड़ा फोर्ट के नीचे जो है शिवाजी महाराज को बाहर निकलने की जो है राह देखते रहे सो so, शिवाजी महाराज फाउंड हिम सेल्फ ट्रैप्ड इनसाइड द फ़ोर्ट और शिवाजी महाराज को जो है इन्होंने ट्रैप कर लिया था पन्हाड़ा फोर्ट पर ठीक है नेतोजी पालकर ट्राइड टू रेज द सेक बाय अटैकिंग अटैकिंग सिद्धिज आर्मी फ्रॉम आउटसाइड अब ये जो नेतोजी पालकर है उन्होंने ट्राई किया मतलब ये सिद्धि के जो आर्मी है जो पनाड़ा फोर्ट के नीचे थे उन पर अटैक करने की जो है उन्होंने कोशिश की बाहर से सो बट ही कूडंट सक्सीड इन इट एंड ही फोर्स वेयर मच और उन्होंने जो प्रयास किया सिद्धि के आरबी पे अटैक करने का लेकिन उसमें वो सक्सेस नहीं हुए सो सिद्धि शो नो साइन ऑफ रिलेंटिंग अब देखा कि सिद्धि uh, जो सिद्धि uh, ने देखा uh, कि जो शिवाजी महाराज जो है बाहर नहीं आ रहे हैं hmm. और uh, कोई साइन ही नहीं दिख रहा रह था uh, जो है कोई भी जो है पीछे हटने का सो hmm. शिवाजी so, महाराज ओपन टॉक भी थी तो hmm. शिवाजी so, महाराज ने जो है ओपन टॉक uh, मतलब बात करने की सोची सो दिस लेड टू स्लैकनेस इन सेक राउंड पन्हाड़गढ़ जब शिवाजी महाराज ने ओपन टॉक uh, करने की सोची hmm, मतलब ओपन बात करने की सोची तो जो है uh, पन्हाड़गढ़ के uh, आसपास पे जो उन्होंने uh, मतलब कब्जा कर लिया था वो जो है थोड़ा सा ढीला हो चुका था सो so, शिवाजी महाराज टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन अब शिवाजी महाराज ने जो है इसका एडवांटेज लेने की सोची सो hmm. so, on this uh, occasion uh, shivaji uh... शिवा कशिद अ ब्रेव य केम फॉरवर्ड अब जब शिवाजी महाराज ने सोचा कि इसका आ, जो है एडवांटेज ले लेना चाहिए नहीं? जब ये आ, जो पन्हाड़गढ़ के आसपास में जो भी सैन्य जो टाइटली जो है शिवाजी को घेरे हुए था आ, तो वो जो है ओपन टॉक करने की सोचने के बाद में आ, बताने के बाद में जो है वो आ, थोड़ा सा ढीला पड़ गया था इसलिए जो है शिवाजी ने इसका फायदा लेने की सोची सो तो ऑन दिस ओकेजन शिवा कशीद अ ब्रेव यूथ कम फॉरवर्ड और इसके लिए जो है शिवा कशीद नाम का जो एक ब्रेव जो यूथ है वो जो है सामने आया सो ही रिजेंबल्ड शिवाजी महाराज इन लुक और वो जो है शिवाजी महाराज के जैसे थोड़ा दिखता था तो ही ड्रेसअप लाइक शिवाजी महाराज तो उनको जो है शिवा कशीद को जो है शिवाजी महाराज जैसा जो है ड्रेसअप किया गया एंड सेट इन अ पैलेंटपिन और उनको जो है को जो है ड्रेसअप किया गया बिल्कुल सेम टू सेम शिवाजी महाराज के जैसा और उनको जो है पैलन क्वीन में बिठाया गया ये पैलन क्वीन पैलन क्वीन यानी क्या है एक ऐसे बड़ा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर जो है वो राजा वगैरह जो होते हैं उनको बिठाया जाता है और उसको जो है चारों तरफ से जो है लोग अपने कंधे पे लेके जो है उनको लेके जाते हैं तो इस तरह के जो बॉक्स में जो है उनको बिठाया गया पैलन में द पैलन लेफ्ट बाय द राजदिंडी गेट और जो पैलन क्वीन है राजदिंडी गेट से जो है निकली सो इट वाज कैप्चर्ड बाय द सिद्दीज आर्मी और जैसे ही ये पैलन क्वीन जो है राजदिंडी गेट से आगे गई तो सिद्दी को लगा सिद्दी के आर्मी को लगा कि शिवाजी महाराज जो है भाग रहे हैं तो उन्होंने उनको जो है कैप्चर कर लिया सो इट वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन अब ये जो है बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी शिवा काशीद सैक्रिफाइस हिमसेल्फ ऑन दिस ओकेजन शिवा ने जो है अपनी जान जो है सेक्रीफाइस कर दी थी शिवाजी महाराज के लिए और स्वराज के लिए ओके सो इन द मेन वाइल शिवाजी महाराज लेफ्ट द फोर्ट यूजिंग अनदर डिफिकल्ट रूट और जब शिवाजी महाराज समझकर जो शिवा को पकड़ा गया तब जो है शिवाजी महाराज जो है एक डिफिकल्ट रास्ते से जो है वहाँ से निकल गए सो ही वॉज अकम्पनीड बाय बाजी प्रभु देश पांडे बंडल देशमुख एंड सम चूजन सोल्जर्स और उनके साथ में जो तब जो है बाजी प्रभु देश पांडे थे बंडल देशमुख थे और भी जो है मतलब उनके विश्वास पात्र कुछ सोल्जर थे वो जो है उनके साथ में गए सो सिद्धि केम टू नो दैट शिवाजी महाराज हैज एस्केप द से ग्राउंड पन्हाड़गढ़ एंड प्रोसीड ऑफ अ विशालगढ़ तो अब इनको पता चल गया कि ये जो हमने पकड़ा है पैलेंट में से तो वो जो है शिवाजी महाराज नहीं है तो वो समझ गए कि शिवाजी महाराज जो है वहाँ से भाग गए होंगे तो उन्होंने जब देखा कि वो पन्हाळगढ़ से भाग चुके हैं तो जो है वो विशालगढ़ की तरफ जो है उनकी आर्मी जो है निकल पड़ी तो हिज आर्मी पर शिवाजी महाराज और सब तरफ जो है उनको शिवाजी महाराज को जो है ढूंढना शुरू हो गया सो so, शिवाजी महाराज इंटरेस्टेड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग सिद्दीज आर्मी एट द फुट ऑफ विशालगढ़ टू बाजीप्रभु देशपांडे और जब going, तो शिवाजी महाराज को ढूंढना शुरू हुआ हाँ तब सिद्धि की आर्मी जो है विशालगढ़ की तरफ भी गई क्योंकि शिवाजी महाराज जो है विशालगढ़ की तरफ गए थे तो विशालगढ़ की तरफ जब शिवाजी महाराज जा रहे थे तो बाजी प्रभु देश पांडे ने जो है आ? इन सभी सिद्धि के आर्मी को रोकना चाहा, हाँ और शिवाजी महाराज को जो है वहाँ से जो है विशालगढ़ की तरफ जो है भेजना चाह सो तो बाजी प्रभु देश चेक सिद्धिज आर्मी एट द घोड़पा नियर गजापुर अब सिद्धि के आर्मी को जो है बाजी प्रभु देश पांडे ने घोड़पास था मतलब एक ऐसा प्लेस जो गजापुर में था से होकर जो है इनके सैनिक को गुजरना था तो उस घोड़पास के पास में ही जो है बाजीप्रभु देश पांडे ने इनको सिद्धि के आर्मी को रोक लिया पाउट ग्रेटेस्ट वेलोर और बहुत ही करेज से जो है वो उनके साथ में हिम्मत से जो है उनके साथ में लड़े सो so, बाजी प्रभु डायड अ दिस बैटल और बाजी प्रभु जो है एक हीरो की मौत जो है वहां पर आ, मरे और तब तक लड़ते रहे बाजी प्रभु जब तक कि शिवाजी महाराज जो है गढ़ जो आ, पहुंच जाए सो so, बाजी प्रभु जो है बहुत ही ब्रेवली जो है उनसे लड़ते रहे और जब उनको पता चला कि शिवाजी महाराज विशालगढ़ पे पहुंच गए हैं क्योंकि एक बिगुल जो है वहाँ से बजा विशालगढ़ में पहुंचने के बाद में तो उनको पता चल गया कि शिवाजी महाराज जो है वो अच्छे से पहुंच चुके हैं तब जो है उन्होंने अपनी जान दी ओके सो बिकॉज बाजी प्रभुज आर्मी हेल्ड सिद्धिज आर्मी एट बे शिवाजी महाराज कुल प्रोसीड टू विशालगढ़ और बाजी प्रभु आर्मी जो है वो सिद्धि को जो है कहाँ पर मिल गई मतलब बीच में ही जो है मिल गई तो शिवाजी महाराज कुल प्रोसीड टू विशालगढ़ और शिवाजी महाराज जो है वहाँ से विशालगढ़ की तरफ रवाना हुए थे वाई गोइंग द विशालगढ़ महाराज ऑल्सो क्रश द अपोजिशन ऑफ द आदिलशाही सरदार वी ऑफ पालवान एंड सर्वे ऑफ श्रीनगरपुर महाराज रीच विशालगढ़ सेफली अब जब शिवाजी महाराज जब विशालगढ़ की तरफ जा रहे थे तो बीच में जो है उनका अपोज हुआ मतलब आदिलशाही के जो सरदार है जैसे डड़वी है पालवान है सर्वे है इन इन्होंने जो है उनको रुखा, रोका रोका श्रीरंगपुर में तो शिवाजी महाराज ने उनको भी डिफीट किया और शिवाजी महाराज जो है विशालगढ़ में से

हाँ सो जब शिवाजी महाराज को ट्रैप किया गया था पन्हाड़ा में पन्हाड़ा फोर्ट पे, तब जो है औरंगजेब जो है तलवार हाथ में ली थी दिल्ली में एंड उन्होंने जो है शाइस्ते खान को जो मुगल सरदार था उसको डेक्कन में भेजा सो ही हैड इन्वेडेड द पुणे प्रोविंसेस तो वो जो है गं? पुना प्रोविंसेस में आ चुका था सो द कन्फ्लिक्ट विद आदिल शाही कंटिन्यू इवन एज द मुग़ल आर्मी इन्वेडिड द स्वराज मतलब ये जो कन्फ्लिक्ट है ये जो झगड़ा है आदिल शाही के साथ में वो कंटिन्यू चल रहा था एज द मुग़ल आर्मी इन्वेडेड द स्वराज क्योंकि मुग़ल आर्मी जो है जो स्वराज के अंदर जो है वो आ चुकी थी सो so, महाराज रियलाइज दैट इट वुड नॉट बी प्रूडेंट टू फाइट टू एनिमी एट वन एंड द सेम टाइम अब जो है आ, उधर डेक्कन उधर पन्हाड़ा में जो है शिवाजी महाराज को ट्रैप किया गया था और इधर जो है आ, आ, मुगल के सैनिक जो है न, मुगल जो है वो भी जो है स्वराज में एंटर कर रहे थे तो शिवाजी महाराज को लगा कि एक टाइम में आ, हम जो है दो एनिमी से नहीं लड़ सकते सो देर फॉर आफ्टर रीचिंग विशालगढ़ सेफली ही एंटरड इन टू अ द आदिल शाह जब वो विशालगढ़ में आ, आ, सेफली पहुंच गए तब जो है उन्होंने आदिल शाह से हाथ मिला लिया और एज पर द ट्रीटी जब आ, ये दोनों जो है दोनों ने हाथ मिला लिया तो उसमें जो है एक ट्रीटी हुई द फोर्ट ऑफ अ पन्हाड़ा टू द आदिल शाह उनमें एक करार हुआ वो करार क्या था कि शिवाजी महाराज को बोला गया कि उन्होंने जो पन्हाड़ा फोर्ट को कैप्चर किया है वो रिटर्न दे दे आदिल शाह को आ? और ये ट्रीटी हुई जिसमें कि आदिल शाह ने पन्हाड़ा फोर्ट जो है वो रिटर्न शिवाजी महाराज से मांग लिया तो यहाँ पे जो है ये लेसन जो है ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी है अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो यहाँ पर जो है एक पन्हाड़ा फोर्ट का जो है पिक्चर दिया हुआ है आप इसे देख सकते हो तीन दरवाज़ा के नाम से जो है इसे पहचाना जाता है तो ये जो पन्हाड़ा फोर्ट है जहाँ पे शिवाजी महाराज जो है बंदी थे आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पन्हाड़ा फोर्ट में जो है उनको ट्रैप किया गया था ओके तो यहाँ पे जो है ये लेसन ख़त्म हो रहा है तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो और मुझे लगता है कि आपको ये लेसन जो है समझ चुका होगा so if you like this video then like share and subscribe the rajashi classes and also click the bell icon then you will get the latest notification of the video so thank you for watching this video have a nice day